आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग ICICI बैंक में अकाउंट है, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी म्यूचुअल फंड का बिलर को ऐड करने के लिए, तो उस बिलर को आप लोग ICICI बैंक में आई मोबाइल ऐप के थ्रू आपको कैसे ऐड करना है, इसके बारे में आज का इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं एक ICICI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ। इसमें यहाँ पे मेरे को URN नंबर आया है, बिलर सेक्शन में मेरे को ऐड करना है। चाहे आप लोग को कोई भी म्यूचुअल फंड का बिलर हो, आप लोग ICICI बैंक में कैसे ऐड करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ICICI मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का अभी आप लोग ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद राइट साइड नीचे देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है सर्विसेज है कि मिल रहा है, तो उस सर्विसेज का ऊपर आप लोग को यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा अकाउंट सर्विसेज, इसका ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड एंड मैनेज बिलर्स है, उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऐड बिलर है, ऐड न्यू बिलर और मैनेज बिलर है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा कोई भी बिलर यहाँ पे रजिस्टर हुआ नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बिलर ऐड करके दिखाता हूँ कैसे आपको ऐड करना है। तो जो ऐड न्यू बिलर है उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से, तो मैं चाहता हूँ म्यूचुअल फंड का बिलर यहाँ पे ऐड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बिलर नेम, तो यहाँ पे मैं आपको ICICI म्यूचुअल फंड का बिलर आप लोग को यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा। सेम उसी तरह से आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड का बिलर आप लोग को यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते। तो आप लोग का जो म्यूचुअल फंड है आप लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको 15 डिजिट का URN नंबर, मतलब यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेल का थ्रू हो गया, आपको मोबाइल में आपको मैसेज आया होगा जहां लिखा है यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, यहाँ पे उस नंबर का आप लोग का डाल दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड या बिलर के थ्रू आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप लोग को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला नहीं, तो आप लोग जिस म्यूचुअल फंड में SIP रजिस्टर किए हो उसी म्यूचुअल फंड का जो कस्टमर केयर है उनसे बात करके आपका जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग पा सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे देखिए आ रहा है बिलर निक नेम आ रहा है, आप लोग यहाँ पे कोई भी एक नेम डाल दीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे आप लोग जो बिलर निक नेम ऐड करेंगे यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं जो ICICI बिलर का नेम है यहाँ पे उसको मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद नीचे आपका आ रहा है देखिए रजिस्टर पर ऑटो पे है या ऑलरेडी मेरा येस है। अगर आप लोग चाहते हो कि उसको मैनुअल पे करने के लिए, तो मैनुअल पे आपका कैसे काम करता है, जब आपका SIP का डेट हो जाएगा उस डेट से पहले 3-4 दिन पहले आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपको एक बिल जनरेट करेगा, उसी बिल को लेकर आप लोग यहाँ पे उसको पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो ऑटो पे इसको येस करने के लिए, रजिस्टर पर ऑटो पे है उसको मैं येस करता हूँ। उसके बाद जो ऑटो पे मोड है फुल अमाउंट और लिमिटेड अमाउंट, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो म्यूचुअल फंड अमाउंट में कुछ लिमिट करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो SIP अमाउंट जितना है उतना अमाउंट आपका कट होने के लिए, तो आप लोग जो ऑटो पे मोड है आपको यहाँ पे फुल अमाउंट यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे जो चेकबॉक्स दिया है उसको आप लोग टिक मार के सबमिट का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा प्री कन्फर्मेशन पेज आएगा, आप लोग यहाँ पे सारी चीज चेक कर लीजिए। अगर आप लोग का सारी चीज ओके है उसके बाद सबमिट का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर को एक 6 डिजिट का OTP आएगा, उसको देके सबमिट का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस, योर बिलर हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो होम का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से चले मैं आपको दिखाता हूँ बिलर मेरा ऐड हुआ या नहीं हुआ है। तो फिर से आपको सर्विस का ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अकाउंट सर्विसेज, उसके बाद ऐड एंड मैनेज बिलर्स है, उसका ऊपर क्लिक करने के बाद जो मैनेज बिलर्स है उसका ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं शो करे। अगर मैं प्रेजेंट मैंने बिलर का ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरे को ICICI का जो बिलर अभी मैं ऐड किया हूँ उस बिलर मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ICICI बैंक में आप लोग अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का बिलर ऐड किया हो आप लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जिस टाइम आप लोग ऐड करते हो उस टाइम आप लोग ध्यान से ऐड कीजिए, अगर आप लोग का कुछ भी गलत होता है तो आप उसको डिलीट करके फ्रेश आपको बिलर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कभी भी आपका जो बिलर है उसको डिलीट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो मैनेज बिलर्स है उसका ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो प्रेजेंट में बिलर्स है उसका ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो बिलर ऑलरेडी है आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उस बिलर का आप लोग यहाँ पे टिक मारिए, टिक मारने के बाद नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है डिलीट बिलर है, तो उस डिलीट बिलर का ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपका बिलर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग ICICI बैंक में कोई भी म्यूचुअल फंड का बिलर का आप लोग आसानी से ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you.